नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आपने अभी कुछ ही समय पहले भी देखी और एक बच्चा किस तरह से बिस्कुट लेने के लिए सामने दुकान पर गया था, उसके बाद बच्चे को एक गाड़ी द्वारा हिट कर दिया जाता है, बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। 7 से 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है और गुस्साए लोगों ने जो सड़क है वो जाम कर दी थी। मैंने आपको तस्वीरें पहले भी दिखाई और फिलहाल अब समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अब इस बच्चे को यहाँ से ज़रूर लेकर जाया जाएगा, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में इस बच्चे को लेकर जाया जाएगा ताकि पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जा सके। आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से एक छोटा सा बच्चा सामने बिस्कुट की दुकान पर बिस्कुट लेने गया था और बिस्कुट का पैकेट उस बच्चे के हाथ में है और खून से वो लथपथ है और समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर आपको रोते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी उठाने की बातचीत की जा रही है। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो मना करते हुए नजर आ रहे हैं। जाम काफी लंबा लग गया है, दोनों तरफ से सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है और फिलहाल आप देख सकते हैं SHO जो है मनोज कुमार मौके पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सबको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम लोग रोते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि 8 साल का बच्चा छोटी सी उम्र थी और बिस्कुट लेने के लिए सड़क के सामने किनारे गया और फिलहाल एक गाड़ी द्वारा अलकाजर गाड़ी द्वारा हिट कर दिया गया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। काफ़ी दुखद हादसा देखा गया है। लेबर क्लास का वो बच्चा था और सड़क पार कर दूसरी ओर बिस्कुट लेकर आ रहा था और देख सकते हैं किस तरह से तमाम परिवार के लोग हाथ जोड़ते हुए इंसाफ की गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल डेड बॉडी को यहाँ से उठवाने के लिए जो प्रयास है वो किया जा रहा है, समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, पर परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के स्टोंडी गांव के पास की ये तस्वीरें हैं। हालांकि समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है पर किस तरह से बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं जिनकी जो बहन थी वो किस तरह से एक सड़क हादसे का शिकार हुई, बच्चे भी यहाँ पर रोते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। कार्रवाई करेंगे, पूरी कार्रवाई करनी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है सर, हम मानते हैं कार्रवाई की है, पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी चल रही है, चलो भाई यार, बात मान लो, बात माननी पड़ेगी। हम मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा, मेरे बात मानिएगा तब ना मानेंगे। हमको कहना नहीं है कि इसे गाड़ी धक्का मारा है, पहले तो सही चीज करना है, उसको मारे पोस्टमार्टम होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डेड बॉडी को उठवाने का प्रयास जो है वो SHO द्वारा किया जा रहा है। SHO खुद डेड बॉडी हटवाते, उनको उठाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि डेड बॉडी को उठवा के यहाँ से रखवाया जा सके। देख सकते हैं डेड बॉडी को उठवा कर यहाँ से पुलिस जो है वो कब्जे में लेती हुई नजर आ रही है। देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर
फिलहाल डेड बॉडी को यहाँ से उठवा लिया गया है। तमाम लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सड़क को रोक के बैठे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं शव वाहन को गाड़ी में रखवा दिया गया है। शव वाहन को जो शव वाहन में जो बॉडी है वो रखवा दी गई है। किस तरह से यहाँ से अब बॉडी को जो है वो ले जाता हुआ शव वाहन नज़र आ रहा है, जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। किस तरह से शव वाहन जो है वो यहाँ से चला गया है और बॉडी को यहाँ से भिजवा दिया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं अब मनोज कुमार जो है इन्हें हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। SHO मनोज जो हैं वो हटाते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि जो ये सड़क है वो खुलवाई जा सके, सड़क को खुलवाया जा सके, क्योंकि जाम काफ़ी लग चुका है। जाम काफ़ी सारी इंटों को पुलिस साइड पर करवाती हुई नज़र आ रही है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खुद पुलिस की टीमें देख सकते हैं सड़क को खुलवाती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं किस तरह से तमाम गाड़ियां अब यहां से चलवाई जाएंगी। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के साथ जो है वो भिड़ता हुआ फिर से एक जो परिवार का सदस्य है वो नज़र आ रहा है। अब जाम जो है वो कहीं ना कहीं खुलवा दिया गया है। SHO खुद जाम खुलवाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो जाम जो है वो खुलवा दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। गुड़िया बिस्किट लेने दुकान पे गई थी, जैसे इसने बिस्किट लिया वहाँ से बिना देखे भाग ली गुड़िया। ये गाड़ी से अपने रफ्तार से गाड़ी स्लो थी, गड्डी वाले की इतनी गलती नहीं है, लेकिन बच्चे की लापरवाही की वजह से हादसा हो गया ये। लेकिन इनको इंसाफ मिलेगा, उसके लिए पूरा गाँव इनके साथ खड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के लोग हैं वो ज़रूर इकट्ठा हो गए थे। गांव के लोग भी अब गाड़ी के आगे जो है वो लोग विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है उसे कहीं ना कहीं घेर लिया गया है पुलिस द्वारा। फिलहाल अब उन्हें फिर से समझाती हुई पुलिस की टीमें नज़र आ रही हैं और उन्हें साइड पर करती हुई नज़र आ रही है। गाड़ी को भी यहाँ से लेकर जाया जाएगा, जिसकी ये तस्वीरें हैं आप देख पा रही हैं। फिलहाल अब गाड़ी को भी यहाँ से लेकर जाया जाएगा और समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें मोनक रोड से देख रही हैं। और SHO यहाँ पर समझाते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। देखिए SHO मोनक जो है वो यहाँ पर मौके पर हैं। अपने हाथ में कानून ले हुए कुछ नहीं जाएगा। अरे जी तो कुछ इस पे ये थाने में जाओगे से कर नहीं जानती, ये थाने में जाओगे। थाने में कार्रवाई होगी, गाड़ी गाड़ी देना तो गाड़ी में कार्रवाई होगी। गाड़ी का मालिक गाड़ी का मतलब मतलब होगी, कानून का मतलब ले हुए तुम्हारे लिए नहीं रखा है। हमने बोला है आज मत बोलो, पोस्ट पर चले जाओ, उसको कार्रवाई करवाना हमारा, टेंशन नहीं लेना। जो भी उसमें कार्रवाई होगी हम कराएंगे। अगर ड्राइवर की गलती है तो उसको अंदर करवाएंगे, आपको पूरा हर्जाना दिलवाएंगे। आपकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं वो भी मौके पर हैं और फिलहाल नई गाड़ी को यहाँ पर रोक रखा है इनके द्वारा और SHO से भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से ईंटें जो हैं वो यहाँ पर बिछा दी गई थी। मौके पर सुबह एक हादसा हो गया जिसमें एक 7 साल की लड़की की मौत हो चुकी है। गाड़ी भी मौके पर खड़ी है, डेड बॉडी डेड हाउस भिजवा दिए और अभी स्टेटमेंट लेकर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी वाला मौके पर भाग गया, गाड़ी मौके पर खड़ी है। जाम लगाया था हाँ, लोग ये इकट्ठे हो गए थे, परिवार वालों के एक छोटे बच्चे की मौत पर थोड़ा दुख जाहिर हो गया, लेकिन इनको समझाया गया और ये बात मान गए हैं और कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दे दिया बिल्कुल न्याय की दृष्टि से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से अभी SHO साहब ने बताया कि गाड़ी जो है वो कब्जे में ले ली गई है और जो चालक को है वो ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं अब समझा जरूर दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं गुस्साए लोगों द्वारा जाम जरूर लगा दिया गया था, गाड़ी के चारे पहिए की हवा निकाल दी जाती है।